कौन कितना ज्यादा राशन दे रहा है गरीब को, इसको लेकर तू तू मैं देश की वित्त मंत्री, जिनसे और सवाल पूछें तो जवाब नहीं मिलते, लेकिन पोस्टर क्यों नहीं लगा है मोदी जी का? कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं मोदी जी, मोदी सरकार ने फ्री में गरीबों को राशन दिया है, कितना पैसा खर्च किया है मोदी सरकार ने गरीबों का, और हम अगर उसके रिटर्न में सिर्फ चाहते हैं कि उनकी तस्वीर हो, क्या वो भी नहीं होगी? तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, ये मोदी सरकार जो है क्या ये अपने मामा के घर से पैसे लेकर आती है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही आपसे, ये तो खुद मोदी जी पूछ रहे हैं, सुनिए। ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि आप अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करती है या हमारे टैक्स के पैसे से खर्च करती है? तो ये क्या लगा रखा है फिर? तो अगर कोई तस्वीर कहीं पर होनी चाहिए तो वो आम जनता की होनी चाहिए भाई, फिर मोदी जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आप हमारा ही पैसा हमको ही दे रहे हैं, हमारा दिया हुआ पैसा गरीबों को दे रहे हैं, उनको आप राशन दे रहे हैं, तो आप क्या, हाँ आप क्यों खुद क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं? इसको लेकर आप सोचिए, कामारेड्डी के जो कलेक्टर हैं जितेश वी पाटिल, उनके ऊपर आग बबूला हो गई निर्मला सीतारमण जी, क्या कहने लगी सुनिए। ఆ ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రజల దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ఆ 2 రూపాయో 3 రూపాయో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా, అంటే స్టేట్ కూడా తన వంతు ఇవ్వకుండా, ప్రజలు కూడా వాళ్ళ 1 రూపాయి ఇవ్వకుండా, మొత్తం మార్కెట్ లో 35 రూపాయి అయినా 30 అయినా 32 అయినా ఆ మొత్తం ఖర్చుని పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని కాస్ట్ కూడా లాజిస్టిక్స్ లారీ స్టోరేజ్ అన్ని కాస్ట్ కూడా పెట్టి టోటలీ ఉచితంగా పంపిస్తుంది. ఆ ఉచితంగా పంపించేది జనానికి అందుతుందా లేదా అని నేను అడగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. యూ విల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దట్ షల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ దట్ షల్ నాట్ బి టోన్ దట్ షల్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. ప్రజలకి మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చి और TRS की तरफ से जवाब में आया, यू वांटेड पिक्चर्स ऑफ मोदी जी, हियर यू आर निर्मला सीतारमण जी, और देखिए आप सिलेंडर कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर मोदी जी की तस्वीर है, सिलेंडर का दाम है 1105 रुपये, और उसका क्रेडिट मोदी जी को देते हुए एक टेम्पो दिखा दिया है जिसमें कई सारे सिलेंडर हैं। तो अब तो आप खुश होंगी निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी को क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ये सब कुछ हुआ तब जब उन्होंने देखा बिरकुर मंडल हेडक्वार्टर्स विलेज में, जब एक फेयर प्राइस शॉप पर मोदी जी की तस्वीर नहीं थी। भैया सबसे ज़्यादा दुख उनको इस बात से हुआ, राशन ठीक से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गरीब लोग कितने सुखी हैं खुश हैं उनकी क्या पीड़ाएं हैं वो नहीं सुनना था, मोदी जी की तस्वीर कैसे नहीं लगी इसका जवाब दो। और फिर उससे पूछा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है? तो जो कलेक्टर हैं उसने ऐसे थोड़ा बोल दिया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो राज्य सरकार ज़्यादा दे रही है। उस पर और ज़्यादा आग बबूला हो गई और फिर पूछा, आप अगर चाहें तो अपना आंसर बदल लीजिए, मैं आपको आधे घंटे का समय देती हूँ, आप ज़रा ये सब चीज़ें पता कीजिए और देखिए मोदी जी ने क्या किया है, कितना उन्होंने ट्रांसपोर्ट उन्होंने इसके लिए मुहैया करवाया है, उन्होंने कितना सस्ता राशन देना शुरू किया है, कितना पैसा मोदी सरकार देखिए खर्च कर रही है। आप देख रहे हैं इतना कुछ किया है मोदी जी ने, और आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने तो मुश्किल से 2 से 3 रुपए दिए जबकि हमने 28 से 30 रुपए के आसपास दिए। 35 रुपए की उन्नीस ఒక కేజీ బియ్యాన్ని నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు? ఒక కేజీ బియ్యానికి నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు? మొత్తం ఇస్తున్నావు అంతే, కేజీ వారి రూపాయి ఇస్తున్నావు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తుందండి? స్టేట్ గవర్నమెంట్ 1 రూపాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన గొంతు ఇస్తుందా? మీకు ఏ హోల్డ్ ఆన్ యా సీ హీ నోస్ స్టేట్ ఇస్ ఇన్కమ్ నువ్వు స్పష్టంగా నాకు జవాబు చెప్పు కలెక్టర్, 1 కేజీ మార్కెట్ లో 35 రూపాయికి ఉన్నటువంటి బియ్యాన్ని ప్రజల దగ్గర నుంచి 1 రూపాయి తీసుకుంటున్నారు, ప్రజల దగ్గర నుంచి రూపాయే తీసుకోవాలి అనే అంత మంచి ఆలోచనతోటి స్టేట్ ప్రభుత్వం తన వంతు ఎంత ఇస్తుంది?
Not at all. Your officer of the Indian Administrative Service belonging to Telangana cadre. You are telling me the state is giving baki 34 rupees. The state government is giving 34 rupees. Excuse me. Would you want to think about your answer? సార్, మీరు ఆలోచించుకొని అంటే నేను వెళ్ళాక కాదు, నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ నేను మీడియాని మీట్ చేస్తున్నప్పటికీ కలెక్టర్ గారికి వెంటనే తెలియకపోయినా పాపం కష్టపడి ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించారని చెప్పి ఆ విషయం నేను చెప్పదలుచు. నేను ఉజ్జాయింపుగా చెప్తాను. ఊపర్ సే ఓ ఏ కహతీ హై కి जो सेंटर है वॉज वेल विद इन इट्स राइट्स टू सी द पिक्चर्स ऑफ अ ग्रेट पर्सन लाइक मिस्टर मोदी एट शॉप्स एज इट सप्लाइड द राइस फ्री बाय इंश्योरिंग लॉजिस्टिक्स इन प्लेस फ्री ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज द पिक्चर्स वर एसेंशियल टू सी दैट द राइस रीच्ड द पुअर. भाई वो फोटो होगी तभी ये चीज़ सुनिश्चित हो पाएगी कि वो गरीबों तक पहुँचा. मतलब ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिस्टिक्स देना ठीक है लेकिन लॉजिक भी तो दीजिए. फोटो लगी होगी, हाँ फोटो से पता चल जाएगा कि हर गरीब तक पहुंच गई क्या. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी राजनीति, उनकी वोट की राजनीति, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगी. और यही लोग हैं जो फ्री रेवड़ी रेवड़ी बांट रहे हैं जैसी बात करते हैं. इनको अपनी फ़ोटो चाहिए उस फ्री रेवड़ी में. लेकिन जब ये कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी है भैया, वो तो सब लाभार्थी. देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं और दूसरा कोई कर रहा है तो भैया तुम तो रेवड़ी बांट रहे हो. मतलब कोई लॉजिक और कोई एक एक स्टैंड नहीं है. एक स्टैंड तो रखिए, या तो फ्री रेवड़ी है या फिर आप लाभ पहुंचा रहे हैं. और आप पहुंचा रहे हैं तो बाकी भी पहुंचा रहे हैं. और आप अगर जनता के लिए कर रहे हैं तो अपनी फ़ोटो के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? मतलब इसको लेकर इतनी देर तक सिर्फ वहाँ पर यही सब कुछ चलता रहा. आप खुद देखिए. और निर्मला सीतारमन के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ही इसको ट्वीट भी किया गया. ये ट्वीट किया गया जैसे कि पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आ रहे हैं ये लोग. कहाँ से इतना सारा पैसा अपनी जेब से, अपने पार्टी फंड से निकाल के जैसे सब लोगों को बांट रहे हैं. देखिए ज़रा, तो क्यों नहीं लगाएंगे फिर आप हमारी तस्वीर जब सारा पैसा हम दे रहे हैं? तो भैया तो ऐसे ही सवाल फिर हम जनता पूछ सकती है आपसे निर्मला जी. और क्यों ना पूछे ज़रा बताइए कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा हमसे आया है, फिर आपकी तस्वीर क्यों लगे? मोदी जी की तस्वीर फिर क्यों लगे? सिंपल सी बात है. एक वेलफेयर स्कीम आपने निकाली हमारे दिए हुए पैसे के भरोसे पर, उस पर निर्भर करते हुए, तो आप अपनी तस्वीर लगाने के लिए किस मुंह से लड़ रहे हैं? चाहे राज्य सरकार करती हो या फिर केंद्र सरकार करती हो, वो होता सब कुछ सिर्फ जनता के पैसे से है. हाँ, राज्य सरकार करती तो तेलंगाना की जनता दे रही होती उतना पैसा. केंद्र सरकार अगर कर रही है तो आप देश भर के लोगों के पैसे से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, राइट? तो आप तो तेलंगाना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी लोगों की मदद ले रहे हैं. तो आपको इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर आप लोग कहते हैं कि क्रेडिट लेने की यहाँ पे बात चल रही है. क्रेडिट तो कितना ख़राब होता है सरकार द्वारा लेना, ये खुद तो हमें साक्षात मोदी जी बता चुके हैं.